एआईएमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी हैदराबाद की हिदायत पर आज एआईएमआईएम कारवान के एमएलए कौसर मुहियुद्दीन ने एआईएमआईएम पार्टी के कॉरपोरेटर स्वामी यादव और मोहम्मद बदरुद्दीन के साथ कारवान हलके के तहत कारवान डिवीजन और गोलकुंडा डिवीजन में आशा कारकुनों को 160 स्मार्टफोन तकसीम किए। इस दौरान के और डॉक्टर अनुराधा और पार्टी के सीनियर लीडर और सरगर्म कारकुन मौजूद थे। मोहतरमा साहिबा डॉक्टर अनुराधा मैडम, डॉक्टर श्रीकांत साहब और गोलकुंडा नुमाइंदा कौर जनाब बद्रुद्दीन साहब, यहाँ पर आए हुए तमाम आशा वर्कर्स को मेरी तरफ से और मेरी तमाम जमात के वर्कर्स की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर से ये कहना चाहता हूँ कि पिछले दो साल से लगातार कोविड के दरमियान में, लॉकडाउन के दरमियान में जो आपने घर घर फिरकर जो मेहनत करे और उसके बारे में भी आप तमाम कई और ऐसे वाक़ात हुए अपने अपने इलाके के अंदर जो भी आशा वर्कर को जो जिम्मेदारी दी गई थी वहाँ पर कोविड में लॉकडाउन के दरमियान में काम करें, उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ खास तौर से रियासत तेलंगाना हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से आशा वर्कर्स को जो आज सेल फोन दिया जा रहा है, इसके जरिए मैं समझता हूँ आप तमाम लोगों को काफ़ी सहूलत हो सकती है। और साथ ही साथ आपके जो भी हेड है, चाहे वो डॉक्टर अनुराधा मैडम हो या श्रीकांत साहब हो या दीगर, उनको आपने जो ग्रुप बनाकर आपके इलाके जात के जो भी मसाइल रहेंगे, जो भी सेहत के ताल्लुक से रहेंगे, आप अनुराधा मैडम को भी बता सकते हैं कि आपके ग्रुप में आपको जो भी प्रॉब्लम हो सकता, आप तमाम मिलकर आशा वर्कर्स अपने अपने मसाइल को सेलफोन के ज़रिए जल्दी हल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आने वाली 27 तारीख को जो बच्चों को पल्स पोलियो के ताल्लुक से जो रखा गया, मैं इस मीडिया के जरिए तमाम से अपील करता हूँ 27 तारीख के दिन आप तमाम अपने अपने वार्ड के अंदर, अपने गलियों के अंदर, आपके कमेटी हाल के अंदर पल्स पोलियो का जो गवर्नमेंट की जानिब से इंतजाम किया जा रहा है, पल्स पोलियो के अंदर जाकर आगे बढ़कर अपने बच्चों को टीका दिलाए। और साथ ही साथ मैं आज हमारे डॉक्टर श्रीनिवास साहब से भी, मैं डायरेक्टर साहब से बात किया कि 18 साल से लेकर जो बच्चों को टीकों का रोल दिया गया उसके ताल्लुक से भी नुमाइंदगी करा और हमारे अनुराधा मैडम को बताया, उन्होंने टेलीफोन दिया कि जल्द से जल्द हम डीएमओ से साहब से अप्रूव लेकर 18 साल की उम्र के बच्चों को टीका दिलाने का करेंगे। और बूस्टर के ताल्लुक से भी बताया कि मैं आप तमाम से फिर एक मरतबा जो भी आशा वर्कर्स हो, जो आंगनबाड़ी के लोग भी काफ़ी मेहनत करें, उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और मोहतरमा साहिबा अनुराधा मैडम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया।